हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक न्यू वीडियो में। और आज हम लोग लाए हैं आपके लिए, ये लिथियम आयन सेल है और आप लोग देख सकते हैं काफ़ी स्टॉक में है। तो ये लिथियम आयन सेल मेड इन जापान वाला सेल है, चाइना का नहीं है, और ये सेन्यो ब्रांड का है और ओरिजिनल सेल है एकदम, और काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल है, देख सकते हैं। और इसका मैं आपको सारा डिटेल बताऊंगा, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और जिसको भी ऑर्डर करना है, डिस्क्रिप्शन में नंबर रहेगा, वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसका सारा डिटेल आप लोग इस वीडियो में देख लीजिए, पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा तो इसका जो सारा डिटेल है ना, इसका सारा डिटेल आपको पता चल जाएगा। और ये इलेक्ट्रिक साइकिल में यूज होता है, और भी काफ़ी सारे चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली इलेक्ट्रिक साइकिल का जो बैटरी बनाने के लिए ये यूज़ होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका सारा डिटेल एक एक करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं ये पिंक कलर के सारे सेल है, ज़्यादातर जो है पिंक कलर में है और ब्लू कलर में है कुछ सेल। तो मतलब जिसको ब्लू कलर में चाहिए वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं है, वो ब्लू कलर वाला ले सकता है, ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और पिंक वाले काफ़ी क्वांटिटी में है तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं आराम से। और इसका मैं सारा, जैसे इसका सारा देख सकते हैं आप, इसके अंदर लिखा हुआ है कि ये कितने कितने वोल्ट का है ये वाला सेल। जैसे अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, देख सकते हैं ये अलग है ये अलग है, तो इसमें लिखा हुआ है। और मैं आपको चेक करके भी दिखाऊंगा लास्ट में। और ये सारे जो सेल है 2200 mAh का सेल है, और ये लिथियम आयन है, और ये सेकेंड हैंड सेल है। तो सेकेंड हैंड सेल है तो ऐसा मत सोचिए कि नहीं चलेगा, इसका हम लोग पर्सनली यूज किए हैं और ये काफ़ी अच्छा चलता है। उसका भी मैं एक साइकिल में लगा हुआ है, उसका भी मैं आपको रिव्यू दिखा दूंगा। और सबसे पहले मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करा देता हूँ, इसमें दिखा देता हूँ और लास्ट में आपको चेक करा के दिखा दूंगा। तो ये वाला जो टोटल सेक्शन है, इसमें देख सकते हैं आप 3.93 से लेके 3.94, 95, 96, 3.97 तक इस वाले सेक्शन में आपको सेल मिल जाएगा। ये वोल्टेज है और 2200 इसका एमएच है जो ये सेल है। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर से निकाला था ये वाला पर्चा, तो इसको वापस रख देते हैं और मैं इसको वापस से आपको चेक करा दूंगा मल्टीमीटर में। और यहाँ देख सकते हैं इसके अंदर भी लगा हुआ है, तो यहाँ से मैं आपको इसको निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला है 3.41, 3.40, 3.39 और 3.38 इस वाले सेक्शन में है। तो आपको मतलब जिस वोल्टेज में चाहिए उस वोल्टेज में भी मिल जाएगा सेल, और काफ़ी क्वांटिटी में है, जितना चाहिए वो भी मिल जाएगा। बस कलर में थोड़ा डिफरेंस है, ये ब्लू कलर वाला कम है, तो जिसको ब्लू कलर में चाहिए वो जल्दी ऑर्डर कर ले क्योंकि काफ़ी कम बचा हुआ है। पिंक कलर वाला अभी काफ़ी स्टॉक में है। और इधर मैं आपको दिखा देता हूँ इस वाले का वोल्टेज, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज का है, 4.10, 3.99, 3.98, 4.00। तो इस वाले सेक्शन में आपको ये सारे वोल्टेज के जो सेल है वो मिल जाएगा। और इसको भी रख देते हैं और आगे दिखा देते हैं आपको इस वाले सेक्शन में। ये वाला सेक्शन अलग किया हुआ है, इधर भी एक पर्ची है, इधर भी एक पर्ची है, तो ये सारे मैं लास्ट में आपको चेक जरूर करा दूंगा। और ये भी थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज का है, 4.10, 4.00, 3.99, 3.98। तो इस वाले सेक्शन में इस वोल्टेज के सेल है रखे हुए हैं। तो ये सब चेक करके रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कोई भी खराब है, सारे सेल इसमें चेक किया हुआ है एकदम बढ़िया से। और इस वाले सेक्शन में हम लोग देखते हैं 3.93, 3.94, 3.96 और 3.97 के इसमें रखे हुए हैं सेल्स। और अब मैं आपको सेल मतलब एकदम पास से दिखा देता हूँ कि इसका ब्रांडिंग वगैरह क्या है और इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। और ये मेड इन जापान का सेल है, ओरिजिनल सेल है, ऐसा ना समझे कि चाइना वाला सेल है, चाइना वाला सेल नहीं है, ये मेड इन जापान का ओरिजिनल सेल है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मैं दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए इसके अंदर जो रैपर है उसमें सेनियो, ये आपको दिख रहा होगा लाइट में, मैं थोड़ा इसको घुमा के दिखा रहा हूँ आपको, सेनियो की ब्रांडिंग है। और ये काफ़ी हल्का में रहता है, जब आप इसको पास से देखेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा, ये रैपर में लिखा हुआ है। और इसमें थोड़ा नंबर वगैरह लिखा रहता है कि ये सेल में, मतलब ये सारे सेल के डिटेल्स लिखे हुए हैं इसके ऊपर। और मैं आपको सामने से इस सेल को एक बार दिखा दूँ, ये ऐसा है और ये बैक साइड से है, ठीक है। इसका ब्रांडिंग वगैरह आपको दिखा दिया हूँ,
तो फ्रेंड्स अब ब्लू वाला दिखा देते हैं, पहले पिंक वाला दिखाए थे, और इसमें देख सकते हैं आपको सेनियो की ब्रांडिंग दिख रही होगी ब्लू वाले में भी, और ये ब्लू रैपर वाला है, और इसमें भी सेल के डिटेल्स लिखे हुए हैं, नंबर वगैरह है और बैच नंबर है। और इसको भी मैं फ्रंट से दिखा देता हूँ आपको, ये देख लीजिए फ्रंट से और ये देखिए बैक से। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सेल में आपको लोकल मिलेगा, सब में ब्रांडिंग मिलेगा, आप आराम से चेक करेंगे तो जरूर दिखेगा आपको सब में ब्रांडिंग, ठीक है। तो गाइज ये सेल हमारे पास काफी क्वांटिटी में अवेलेबल है, आप कोई भी प्रोजेक्ट के लिए इसको यूज कर सकते हैं, और इसका प्राइस काफी अच्छा है, ना हाई है ना लो है, मीडियम रेंज में है, 80 रुपये पीस है, और ये जो एक पीस सेल है इसका 80 रुपये प्राइस है। और मतलब अगर आप बाहर मंगाना चाहते हैं कहीं, तो जितना सेल लगेगा उस पीस का प्राइस होगा और कूरियर चार्ज लगेगा, और अगर आप आके लेना चाहते हैं तो बस आपको सेल का प्राइस देना है, बाकी आप अपना लेके चले जा सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं, इसको चेक करके दिखाते हैं मल्टीमीटर में कि आपको सही वोल्टेज दिखा रहा है कि नहीं। तो फ्रेंड्स अब मैं इसका वोल्टेज चेक करा देता हूं आपको एक एक करके, पहले इसका पर्ची निकालेंगे, देखेंगे कितना वोल्ट है, उस हिसाब से मैं आपको चेक करा दूंगा। तो इसमें 3.93 से लेकर 3.97 तक है इस वाले सेक्शन में, तो कोई भी एक सेल, रैंडम कोई भी सेल ले लेते हैं, उसको आपको चेक करा देते हैं। ये हमारे पास मल्टीमीटर है, तो इसको ऑन करते हैं और अब मैं चेक करा देता हूँ आपको। तो ये देख सकते हैं आप, मैंने जैसा कि दिखाया 3.93 से 97, इसमें दिखा रहा है 3.9, और इसको मैं जब मैं पूरा इधर कर देता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं 3.95 इसमें दिखा रहा है, ठीक है, 3.93 से 97, तो ये सब उसी रेंज में होगा, और आप देख सकते हैं इसी में तार लगा हुआ है, कहीं और मैं चेक नहीं करा रहा हूँ। फिर कोई भी एक रैंडम सेल ले लेते हैं इसमें से, इसको रख देते हैं वहां पर, कोई भी रैंडम सेल ले लेते हैं, मान लो ये वाला ले लीजिए, उस पर तो मैंने लिख के नहीं रखा इसलिए मैं आपको रैंडमली दिखा रहा हूँ। ये देखिए इसमें भी 3.95 दिखा रहा है, आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो ये सेक्शन मैंने दिखा दिया, अभी काफी सारे हैं, तो मैं सारे आपको एक एक करके चेक करा देता हूँ, एक दो सेल करके चेक करा देता हूँ। इस वाले का पर्ची हम लोग इसमें रख देते हैं, इसका तो चेक कर दिया, इस ब्लू वाले को चेक करा देता हूँ आपको, इसमें क्या है। तो इस वाले में वोल्टेज काफी कम बता रहा, नहीं सॉरी गलती से लगा नहीं था, तो ये आप देख सकते हैं 3.71 इसमें बता रहा है, और इसमें भी तार सेम लगा हुआ है 3.71, ठीक है ये वाला, तो इसको वापस रख देते हैं। अब इधर से एक ब्लू वाला चेक करा देते हैं आपको, सारे सेल इसमें पहले से ही चेक करके रखा हुआ है, और ये वाला बता रहा है 3.87, ठीक है, अब इसको भी रख देते हैं, एक इसमें से रेड वाला चेक करा देते हैं आपको, और इसका वोल्ट आप देख सकते हैं 2.26, क्योंकि इसमें बीच में पर्ची नहीं रखा हुआ है, आप देख सकते हैं कहीं पर्ची नहीं रखा है, तो इसलिए इसको अलग भी रखा गया है दोनों साइड से, ये रैंडम वोल्टेज में रखा गया ये वाला। तो ब्लू वाले का वोल्टेज इसमें अच्छा है, लेकिन इसमें जो रेड वाला है बीच में, इसका वोल्टेज थोड़ा कम है। अब मैं इधर वाले से चेक करा देता हूँ, इसका वोल्टेज आप देख सकते हैं 3.93 से 3.97 दिया हुआ है, इसका पर्ची हम लोग इसी में रख देते हैं, कोई भी एक भी रैंडम सेल में निकाल देता हूँ, और इसका मैं आपको वोल्टेज चेक करा देता हूँ, ये देख सकते हैं 3.95। तो इसमें का सारा सेल आपको एकदम जो भी भेजा जाएगा यहाँ से, सारा सेल चेक किया हुआ, ऐसा नहीं होगा कि बिना चेक किए कोई खराब सेल आपको भेजा जाएगा, सारा चेक करके ही भेजा जाएगा। तो जिसको चाहिए ऑर्डर कर सकते हैं, मैं आपको इसमें से भी एक दिखा देता हूँ, इसमें से उसमें से एक दिखा देता हूँ, इसका मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इसमें 3.97 है जो मैं उस सेक्शन से निकाला हूँ, तो इसको भी रख देते हैं वापस, और इसमें से एक निकाल के दिखा देता हूँ, और ये वाला भी देख सकते हैं, ये वाला पूरा 4 वोल्ट का है, और ये पूरा सारे सेल 2200 mAh की है, तो काफी पावरफुल, इससे आप बैटरी बना सकते हैं कोई भी चीज के लिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।